अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त हजरात और डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को आज फसलों की सैर कराता हूँ थोड़ी सी। मैं भी मॉर्निंग वॉक पर निकला था तो सोचा कि शायद आप लोगों को भी थोड़ा सा साथ इंजॉय करा दिया जाए। तो ये वो गंदम की फसल है जो आप लोग जो है ना वो गंदम खाते हैं, तो ये अभी तक जो है ना वो बढ़ोतरी पर है। तो आफ्टर 2.5 से 3 मंथ जो है ना वो तकरीबन 3 मंथ के बाद जो है ना वो सिट्टे पर आती है, और फिर तकरीबन 1 या 1.5 मंथ जो है ना वो सिट्टा पकने पर लेता है, और फिर आप लोगों की मशीनों के ज़रिए निकाल कर आप लोगों की तरफ गंदम आती है। ये वो सब्ज़ी है जो आप लोग मुंगरा जो जिसे कहते हैं मुंगरे की सब्ज़ी जो आप लोग खाते हैं, ये वो मुंगरे की फसल है जी। ये फसलों के अंदर ही लोगों ने लगाई हुई है और इसके बहुत फ़ायदा है। ये ठंडा होता है खाने में, वैसे भी लोग वैसे भी खाते हैं तोड़ के, और सब्ज़ी में भी यूज़ करते हैं, और पराठा बनाने के लिए भी लोग मूंग एक फसल जो है ना वो यूज़ करते हैं। और ये बरसीम की फसल है जो लोग जो है ना वो अपने चारे के तौर पर यूज़ करते हैं, अपने जानवरों के लिए चारे के लिए यूज़ करते हैं। तो वो आगे ज्वार की फसल नज़र आ रही है और मांद भी खड़ा है, ये जो गन्ने आप लोग चूकते हैं वो। तो ये सारा मंजर देखें कितना सीन लग रहा है। तो आप लोग भी सैर के लिए निकला करें ताकि आप लोग की फिटनेस जो है बरकरार रहे। ये सरसों की फसल है जो आप लोग ऑयल यूज़ करते हैं, सरसों का ऑयल, और बायो की जबान में इनको, बायो की लैंग्वेज में इसको मस्टर्ड प्लांट कहते हैं। तो तुलबा तौलबात आप लोगों ने मस्टर्ड प्लांट के बारे में तो पढ़ा है, तो ये आप लोगों के सामने मस्टर्ड प्लांट है। देखें इसके फ्लावरिंग पार्ट देख लें, वेजिटेटिव पार्ट, और ये जो बीज है इसका, ये बीज, ये जो फलियां सी हैं लगी हुई फलियां जो है ना, ये बीज बनता है इसमें। तो इसे फिर बीज को खुशी करके फिर ऑयल यूज़ करते हैं आप लोग। तो ये इसके वेजिटेटिव पार्ट है, और इसका स्टेम देख लें। तो सरसों का पौधा जो है वो पानी बहुत ज़्यादा लेता है, तकरीबन 21 गेलन जो है ना वो पर डे है कि ये एवापोरेट करता है, 21 गेलन। तो अगर उसी इंसान उसी हिसाब से 9 इंसान जो है ना पिए तो फिर अपन दादल गा सकते हैं। तो ये आप लोग के 9th क्लास के चैप्टर 1 और इसी तरह FSC के पार्ट में आप लोग मस्टर प्लांट पढ़ते हैं उसकी बेहतरीन स्टडी का मौका है आप लोगों के पास। ये उसका पता देख लें जी, तो उसका स्टेम देख लें, तो वेजिटेटिव पार्ट, और ठीक है जी रिप्रोडक्टिव पार्ट उसका। तो इसको आप सब्ज़ी के तौर पर साग में जो है ना वो सरसों के तौर पर भी यूज़ करते हैं, साग में भी यूज़ करते हैं, और इसी तरह जो है ना ये देखें शहद की मक्खी जो है वो रस चूस रही है, इससे वो शहद तैयार करती है। तो शहद की मक्खियाँ आजकल जो है ना काफ़ी ऊपर घूम रही हैं, वो इसे अपना फूलों से खुशबू लेती हैं और रस जो है ना वो कलेक्ट कर रही हैं। ये देखें ये देसी माखू, वो छोटा सा नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो साथ ये बड़ा माखू जो है वो भी। तो ये इसका स्टेम भी देख लें, ठीक है, और सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके जो फ्लावर्स हैं ठीक है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए में टेकिंग पार्ट कर रहे हैं, और बाकी जो स्टेम वगैरह है वो इसका वेजिटेटिव पार्ट आप कह सकते हैं। ये पालक की फसल है, ये पालक जो आप साग बनाते हैं तो उसमें खाते हैं पालक है। ये पत्ता ये देख लें, ये पालक है ये वाला, और ये थोम जो आप लोग थोम खाते हैं, ये अभी तक उसकी ये थोम के ऊपर पूके देख लें, ठीक है। तो जब बड़ा हो जाता है तो फिर इसके नीचे जो है ना वो छोटे छोटे साइज़ की वैसी गठलियाँ सी बन जाती हैं, तो फिर आप लोगों की तरफ बाज़ारों में आता है। तो ये पूके जो हैं वो आप लोग देहाती लोग जो हैं वो चटनी बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो मज़ीद अगर देखें तो ये सरसों का मेन बीज पका हुआ है, आफ्टर तकरीबन हाफ मंथ के बाद ये जो है ना इसकी कटाई होगी, और फिर इसको जो है ना वो अलहदा किया जाएगा, और फिर जो बीज है उससे जो ऑयल निकलेगा, जैसे सरसों का ऑयल आप लोग कहते हैं,
तो बड़ा मुफीद है ये। आप लोग को छोटा सा सरसों के पौधे से और आप लोगों को कुछ सर मस्टर्ड प्लांट जो आप लोगों ने 9th में भी और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा हुआ है उसका थोड़ा सा इंट्रो हो गया। उसके रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो हैं ठीक है, और इसके वेजिटेटिव पार्ट हो गया उनको आप लोगों ने थोड़ा सा देख लिया। तो मज़ीद कुछ पूछना हो तो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।